हाँ, आज का हमारा टॉपिक है लो सेक्स ड्राइव और थायराइड प्रॉब्लम्स। देखो, ज्यादातर लोगों को लो सेक्स ड्राइव के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो एडमिट नहीं करते, अपने पार्टनर से भी एडमिट नहीं करते। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर फीमेल्स में होती है और मेल्स ज्यादातर इस प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फीमेल्स इस प्रॉब्लम के पास ज्यादा दिक्कत में नहीं जाते। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत सीरियस है, और ज्यादातर केसेस में आप मानेंगे दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू थायराइड और बेसिक हॉर्मोन्स। जी हाँ, आपके हॉर्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सेक्सुअल डिजायर के लिए, आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, आपके स्पर्म काउंट्स में, फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की रेगुलरिटी पे, उनके अंदर चल रहे मेटाबॉलिज्म, उनके मूड पे। जब मूड चेंजेस हो सकते हैं, ये सोचिए, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के आते आते ब्लीडिंग होते होते मूड चेंजेस हो सकते हैं, सो सेक्स ड्राइव में क्यों नहीं बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। लो सेक्स ड्राइव हाइपोथायराइड केसेस में बहुत कॉमनली पाया जाता है। मतलब अगर आपको थायराइड में प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, तो आपका सेक्स ड्राइव लो हो सकता है। अब ये हर पेशेंट में नहीं होता, ना ही हर पेशेंट में बिना मतलब हाइपोथायराइड होने तक वेट करता है। मतलब ये आपका प्री क्लिनिकल, यानी कि आपका हाइपोथायराइड है भी नहीं, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है, यानी नॉर्मल लेवल्स है थायराइड के, ऑलमोस्ट हायर लेवल पे है, सब क्लिनिकल है, अभी तक कोई सिम्टम ही पैदा नहीं हुआ हाइपोथायराइड का, लेकिन फिर भी सेक्स ड्राइव लो हो जाए तो भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। क्या? नंबर वन, आपके इन्वायरमेंट, आप पॉजिटिव चीजें देख रहे हो, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, आपके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव चीज आ रही है, वो मैटर करता है। आपके बॉडी की एक्सरसाइज मैटर करती है, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी से आपके अंदर थायराइड हार्मोन ही नहीं, आपके फीमेल और मेल हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। और नींद, रेस्ट सही नहीं ले रहे हो तो बॉडी बिकम्स रेस्टलेस, और जो बॉडी के अंदर इश्यूज हैं, जो भी छोटे भी इश्यूज हैं, दो गेट ओवर एग्जैजरेटेड। सो यहाँ एक ही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन थायराइड मेल फैक्टर मेन फैक्टर है। थायराइड को अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, दैट मींस कि आपके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, जो कि आपकी पूरी बॉडी के लिए, पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हर एक चीज फास्ट करता है, वो हर एक चीज स्लो हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर इच्छा शक्तियां भी स्लो हो जाएगी, यहां तक के अपने लिए, खुद के लिए काम करना भी एक तरीके से आपको वर्क लगेगा, ना कि एंजॉयमेंट, या कोई अपने लिए पानी लाना भी आपको मुश्किल, तो फिर सेक्सुअल डिजायर वो कहां से आएगी? क्योंकि आप मानो या ना मानो, सेक्सुअल डिजायर या सेक्स ड्राइव के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी एक काम है। सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको मेहनत लगती है, आपकी एनर्जी लगती है, आप थकते हो, ये सच है, इसीलिए आप थक जाते हो, इसीलिए कई लोगों को नींद आ जाती है, कई लोग कहते हैं मैं थक गया, इसीलिए जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद जिम जाते हो, काम पे जाते हो, तो आपको होती है दिक्कत, आपको लगता है थकावट, आपको लगता है मेरा वो कम हो गया, मेरा ये कम हो गया। और इसीलिए जो जितना प्रोपेगेंडा चलता है सेक्सुअल एक्टिविटी के खिलाफ, कि भाई आपको मैस्टर्बेशन नहीं करना चाहिए, आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो सब इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इट्स एन एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी पे आप थक जाते हो, थक जाने के बाद आपको लगता है आप वीक हो गए, फिर वो दिमाग में टोरे, बाप रे मैं तो वीक हो गया, अब मैं जिंदगी भर वीक रहूंगा, मुझसे गलती होगी, तो गिल्टी फीलिंग ऑफ सेक्स। एनी वेज, गोइंग टूवर्ड्स मैस्टर्बेशन, बट देन पॉइंट हियर इज कि हाइपोथायराइड कैन कॉज लो सेक्स ड्राइव इवन इन सब क्लिनिकल स्टेजेस। सब क्लिनिकल स्टेजेस का मतलब आपके अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन लंबे समय से, और ये एक दिन में नहीं होता, ये थोड़े दिन में नहीं होगा, ये लंबे समय से होगा। अगर लंबे समय से आपके अंदर थायराइड हॉर्मोन्स की कमी चल रही है, आपको नहीं पता, और या फिर आपको पता भी है और कंट्रोल नहीं किया गया, तो जरूर ऐसा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना T4 बेसिकली T3 T4 और TSH लेवल्स चेक कराएं, और इसके साथ अपने मेल या फीमेल हॉर्मोन्स चेक कराएं। मेल हॉर्मोन टेस्टोस्टिरोन फ्री एंड टोटल, फीमेल हॉर्मोन ईस्ट्रोजन FSH LH, ये तीनों राइट आपको चेक कराने हैं कि क्या इन हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस है। फीमेल अपने हॉर्मोन लेवल्स चेक कराएंगे अपने मेंसिस के थर्ड डे पे, तीसरे दिन,
तीसरे दिन जब ब्लीडिंग शुरू हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, दैट इज द डे वेर यू चेक इट। एंड क्योंकि फीमेल्स में भाई साहब ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, राइट, देयर हॉर्मोन्स आर ऑलवेज ऊपर नीचे, तो अगर पर्टिकुलर डे पे नहीं कराया सो यू कैन नॉट से कि इनकी हाई है या लो है, या इतना रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी टेस्ट को। इसलिए थर्ड डे पे आप कराएं, अगर आपको वो एबनॉर्मल लगता है, इवन इफ इट इज इन द लोअर रेंज या इन द हायर रेंज, तो आप अपने डॉक्टर से, फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट से, मेल्स यूरोलॉजिस्ट से बात करें। जी हाँ, मेल्स के डॉक्टर्स का नाम है यूरोलॉजिस्ट, सेक्सुअलॉजिस्ट नहीं, यूरोलॉजिस्ट, और फीमेल के डॉक्टर्स का नाम है गायनेकोलॉजिस्ट। दैट इज द आइडिया। सो सेक्स ड्राइव लो होती है थायराइड में, ठीक कैसे करेंगे? अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके कारण पे जाना पड़ेगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, भाई ढंग से सो नहीं रहे, ढंग से एक्सरसाइज नहीं हो रही, बॉडी की एक्टिविटी नहीं हो रही, खा नहीं रहे, और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। अगर मेल फीमेल आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अगर बात बनी नहीं रही है, या आपस में छोड़ो, ऑफिस में झगड़ा हो रहा है, या दोस्त से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी से, भाई से, घर पे किसी से झगड़ा हो रहा है, तो वो झगड़ा आपके दिमाग पे इतनी नेगेटिविटी भर देता है कि दैट टाइम योर सेक्स ड्राइव गोज ऑफ। ऐसा थोड़ी होता बाहर जाके झगड़ा करके और घर आके ओ माय गॉड मेरे को बहुत मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। सो दैट्स हाउ योर बॉडी वर्क्स। पॉजिटिविटी, व्हेन यू आर हैप्पी आप और हैप्पीनेस के पीछे जाओगे, व्हेन यू आर सैड आप और सैडनेस के पीछे जाओगे, आप और आके घर पे झगड़ा कर लोगे, और झगड़ा करोगे आपका सेक्स ड्राइव और खराब हो जाएगा। सो पॉजिटिव माइंड इज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि आपके जो लाइफ है, लाइफ में सारे जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उसको आप एक एक करके निकाले, चले चाहे वो एक सीरियल हो, चाहे वो एक टीवी सीरियल हो, चाहे कोई सीरीज हो यूट्यूब की या कहीं की, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जॉब हो, आपको उसको मैनेज करना है या हटाना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा, वरना नहीं। रिमेंबर दिस, देर आर मेनी फैक्टर्स हियर, एक फैक्टर को सिर्फ ठीक करके काम नहीं होने वाला, मल्टीपल फैक्टर्स को ठीक करना पड़ेगा सेक्स ड्राइव के लिए। हॉर्मोन्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, विटामिन्स भी काम करते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी एंड ऑल्सो योर न्यूरोनल इश्यूज, राइट, जैसा हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में आपको बताया, जैसे हमने आपको लो सेक्स ड्राइव में भी ये सब मैटर करता है। फीमेल्स के केस में भी ये मैटर करता है, जब उनके मीनोपॉज के टाइम आ जाता है, मीनोपॉजल टाइम पे उनके सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत कम हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। जब अगर कभी ऑपरेट करा के निकाल लिया, ओवरीज निकाल लिया, यूटरस निकाल लिया, तो भी उनके हार्मोन्स गिर जाएंगे, उनका सेक्स ड्राइव खत्म हो जाएगा, कम से कम एकदम कम हो जाएगा। तो कारण समझना होता है हमें कि लो सेक्स ड्राइव क्यों क्यों हो सकता है, थायराइड के वजह से भी हो सकता है, आयोडीन नमक बदल देने के वजह से हो सकता है, अगर आपने सेंधा नमक शुरू कर दिया है, आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट की जगह नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट, पहाड़ी नमक, सेंधा नमक, ये नमक, वो नमक, काला नमक, काला नमक, उन सारे नमक में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ वो आयोडाइज्ड नहीं है। पहले तक आप आयोडीन आयोडाइज्ड नमक ले रहे थे, अब आपने नॉन आयोडाइज्ड नमक लेना शुरू किया है, तो आयोडीन की कमी हो सकती है, आयोडीन से ही थायराइड हार्मोन बनता है, तो थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है, और इस सब क्लिनिकल कमी में ही आगे चल के आपकी बॉडी स्लो हो सकती है, आपको मोटापा हो सकता है, आपको बीमारियां, डायबिटीज हो सकती है, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को मैनेज करिए, अच्छे से हेल्दी रहिए, और अपने जितने भी सवाल है अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे सभी सवालों के जवाब देने की। थैंक यू सो मच गाइस।